भाभी जी जैसी लग रही है ना? भाभी जी जैसी नहीं लग रही है, बल्कि भाभी जी हैं। भाभी जी के कटोरे में लाल लाल क्या है? खून है। कानपुर के एक ब्लड बैंक से खून चोरी हो रहा हुआ है। मुझे पता है ये काम कौन कर रहा है। हम उनको बताओ सारो को है तो ना। वो ये काम खून चुराने का सिर्फ ड्रैकुला ही कर सकता है। सर देखो तो सही, ये खून किसका है? भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए तिवारी जी आइए। भाभी जी ये कौन सी किताब पढ़ी जा रही है? तिवारी जी ये मैं ड्रैकुला पे किताब पढ़ रही हूँ। सुना होगा ना आपने काउंट ड्रैकुला, ये सारी किताबें ड्रैकुला पर है। भाभी जी ड्रैकुलाओं पर अचानक आपकी दिलचस्पी कैसे हो गई? तिवारी जी पीएचडी कर रही हूँ ना मैं इसी सब्जेक्ट पर। इस अनोखे विषय पर पीएचडी कर रही है। लेकिन भाभी जी जो ड्रैकुला वगैरह हैं ये वाकई होते हैं या कोई कल्पना है? तिवारी जी यही तो मेरी थीसिस का सब्जेक्ट है, यही तो मैं प्रूव कर रही हूँ। जरा कॉफी लेके आइए, जरा कॉफी। दूध चाय की पत्ती शक्कर सब खत्म हो गई। यार आप जैसे मनुष्य किचन में होंगे तो बरकत हो ही नहीं सकती। खैर छोड़िए। हाँ तो भाभी जी हम ये कह रहे थे कि ये जो ड्रैकुला वगैरह होते हैं ये मतलब हमने कभी देखे नहीं है, ये होते हैं? जी मैंने भी तो नहीं देखा लेकिन ना मैं देखना चाहती हूँ। भाई तब तो हम भी आपके साथ उनके दर्शन करेंगे। हाँ। देखना चाहते हैं आप लोग ड्रैकुला? बड़ा शौक है आपको ड्रैकुला देखने का? तो देखिए चलिए भाभी जी को देख लीजिए, भाभी जी ड्रैकुला है, शी इज ड्रैकुला। क्या क्या बकवास कर रहे हैं, आपका दिमाग ठिकाने है? मेरा दिमाग ठिकाने है तिवारी जी, अगर आप भाभी जी को खून पीते देख लेंगे ना तो आपके भी तोते लाल हो जाएंगे। क्या बके जा रहे हैं यार? वो ये तो कैसी भी तो की बातें कर रहे हो? अंगूरी जी पर इतनी भोली भाली लेडी पर इतना एक्साइटिंग इल्जाम लगा रहे हो? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ उनपे, मैं इनसे बहुत उनसी उनकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन लेकिन भाभी जी ही ड्रैकुला है, शी इज द वन। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने उन्हें रात के सन्नाटे के कंबल में खून पीते हुए देखा है। और अभी जस्ट नाउ किचन में वो खून पी रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। व्हाट आर यू टॉकिंग? ये सब बकवास है, झूठ है ये। नहीं नहीं तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब बकवास है। ये बकवास है तो ठीक है, रात को ठीक 12 बजे आप लोग ये नजारा देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। तिवारी जी रात को आप सोएंगे नहीं, भाभी जी पे नजर रखेंगे। जैसे वो रात को 12 बजे उठेंगे, लाल साड़ी पहनेंगे, आप उनका पीछा करेंगे, वो जाएंगे जाकर कटी के चौक पर, आप उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंचेंगे, हम लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद होंगे। तो आप दोनों खुद अपनी आंखों से ये मंजर देख लीजिएगा। और अगर आपकी कोई बात झूठ निकली ना तो हम आपके गुर्दे छील देंगे, आपकी जान ले लेंगे। ले लीजिएगा जान, ले लीजिएगा आप मेरी। विभो अगर इतने दावे के साथ कह रहा है तो हम देखेंगे रात में। विभो, can you believe it? मैं ड्रैकुला पर थीसिस लिख रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ और ड्रैकुला बगल में, अंगूरी जी ड्रैकुला। What timing? ये सब डेस्टिनी विभो, this is all my destiny. I'm going to be a doctor. तुम किस तरह की औरत हो यार? What kind of a woman you are? ड्रैकुला बन गई है, तुम्हारे लिए बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है। दिस इज डेस्टिनी, दिस इज टाइमिंग। व्हाट आर यू टॉकिंग? दिस इज अ पीएचडी इज ऑल अबाउट बट ड्रैकुला गॉड। तिवारी जी, तिवारी जी कुछ कीजिए कीजिए, भाभी जी खून पीने लगे। I'm sorry, but थोड़ा इमोशनल हो गया था।
काफी। लाता हूँ खून कॉफी आपके लिए। अरे करवे कहाँ मर गो तो? सारे इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, उठा क्यों ना रहो तो? सारे तो को मैं ऐसी चीज दिखाऊंगा ना, तेरे गुर्दे हरे है जाएंगे घरे। का चीज दिखाएगो है? जा थैला में कहा गो। जा थैला में वही चीज है जिसके सपने हम हमेशा दिखा करते हैं। इसमें छोरी है गई का? सारे बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े छिछड़े दिखाई देते, छोरी ना इसमें। तो फिर कहा है गो? जे देख, जे देख। ब्लैक डंकी मेरी जान, ब्लैक डंकी है रही। जालिम कमाल कर दियो। लेकिन सारे करवे एक बात बता, तू इतनी महंगी बोतल कहां से उठा के लायो? एक जुगाड़ करो है प्यारे, जुगाड़। हर महंगी से महंगी शराब हमें 100 रुपया में मिलेगी। करवे यार तूने ये जुगाड़ कहां से ढूंढ लो यार? एक आदमी है जो कस्टम डिपार्टमेंट से सीधे टेम्पो भरकर लातो है, अपनो माल बेचतो है सिर्फ 100 रुपया में। जालिम यार मजो आगो यार, अब जिंदगी आराम से कटेगी पीते पीते। वो देख मनुष आगो पूछ, छुपा जल्दी छुपा। हाँ साहब। अरे साहब हम वहीं से आ रहे हैं, हम वहीं से आ रहे हैं, हमने उनसे कहिए। हम क्या कह रहे हैं, हमने पूरे स्टाफ से छानबीन कर ली है अपनी, सारे सवाल जवाब कर लिए हैं, आप चिंता ना करो। है अरे साहब सीसीटीवी की पूरी बोली हमने फुटेज देख पूरी निकाल के देंगे हमें। आप चिंता ना करो। अरे कोनो ना कोनो सुराग जरूर मिल जाएगा साहब, तफ्तीश चल रही है। हाउ हाउ रखो फोन साहब। जैन साहब, जैन साहब। खुद तो अपने कुर्सी में बैठी रहती हैं, हमें उंगलियां करती रहती हैं। ये पुलिस की नौकरी हमने काय कर ली यार, निछावर खाने को। कबूलो कबूर बोलो का कछु ना बोलो। मैं तो यही कि आप इतने परेशान काहे लग रहे हो तेरे को जी? परेशान ना हो तो क्या करें यार, ब्लड बैंक से खून चोरी हो रहा है और हमारी जो समझ में नहीं आ रहा है कि जो खून आखिर कौन चुरा रहा है। जो का छुपा रहे इनका का जो का है पीछे का है? कौन पीछे कौन है, कौन है बे? अबे सारे तेरे पीछे का है। जे कछु ना ये तो ऐसी है, कछु ना छुपा रहे हम तो। देखा अजय जे तो टाइम देख रहे हो तो घड़ी में? हाँ टाइम देख रहे तो टाइम हम दिखाए टाइम। सारे यारों कहूँ तुम ही औरत तो नहीं, खून चुरा रहे हो, ब्लड बैंक से चोरी कर रहे हो, दिखाओ दिखा सी दो का यार। काहे इतनों काहे डर रहो? जा थैला में जाए। अरे यार या तो शराब की बोतल हैगी। हाँ शराब की बोतल है, खून की बोतल ना है। सॉरी सॉरी लौंडो सॉरी, वो का है यार ये? एक तो कमिश्नर साहब फोन कर करके हमारी खोपड़ियाँ खा जाते हुए, हमारा दिमागी काम नहीं कर रहा हुए, क्या करें क्या ना करें, जाते जाओ जो स्टॉप में जाओ दिमाग खराब हो गए यार। सुनो एक आध आधी बोतल हमें दे दो यार, तनक दो घूंट लगाएंगे ड्यूटी के बाद, हमारा फ्रेश हो जाएगा माइंड। कैसी कही? खूब कही देव। अरे ए भाग ले यार, यार कैसे लौंडा है? अबे आधी बोतल आधी छोड़ो यार, दो घूंट पिला देते तुम्हारी नानी मर जाती। गुइया को जूस पी लो। ये भभूती के बच्चे के पास कछु काम धंधा तो है नहीं, खाम का हमें उलझन में डाल दिया। बेचारी हमारी मासूम बीवी पर इल्जाम लगा दिया कि ये ड्राकुली है, खून पीती है, जबकि ये बेचारी तो पानी भी डर डर के पीती है, खून पीना तो बहुत दूर की बात है।
सो रही हो पगली? इसका मतलब हम ख्वाब देख रहे थे। ये बाबूती के बच्चे ने खामखा हमारे दिमाग में फितूर डाल दिया यार। अब छुप छुप कर रंगोली पर नजर रखते हैं। देखो चौराहा दिख रहा है ना वो? हाँ, भाभी वहीं पर आएंगी। हाँ, मैं ड्रैकुला देखूंगी, लाइव ड्रैकुला। वो आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटेड होना भी कौन सी बात है यार? अरे इसी सब्जेक्ट पे तो मैं पीएचडी कर रही हूँ ना, ये मेरी थीसिस का टॉपिक है। इस सब्जेक्ट में लाइव देखूंगी, उसे लाइव देखूंगी, उसे रिकॉर्ड करूंगी। आई एम सो एक्साइटेड। माय गॉड, भाभी जी एक बेचारी खतरनाक योनि में फंस गई हैं, उनकी मदद करने की बजाय तुम तमाशा बना रही हो। यू ट्राइंग टू मेक अ स्पेक्टेकल आउट ऑफ इट। नहीं नहीं, मैं तमाशा नहीं बना रही हूँ विभू, बस मैं एक बार ड्रैकुला को लाइव देख लूँ और उसके बारे में रिसर्च कर लूँ, उसे रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं हेल्प कर दूंगी नांगोरी जी की। तब तक वो ड्रैकुला बन चुकी होंगी। तुम भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम फालतू में मेरा मूड खराब कर रहे हो। पास देखो ना, सारी झाड़ियाँ हैं। हाँ हैं तो? अरे तुम्हें झाड़ियाँ देख के कुछ याद नहीं आ रहा? क्या याद नहीं आ रहा? Come on विभू, कॉलेज के वक्त हम झाड़ियों में छुप छुप के कैसे रोमांस करते थे, याद है? तुम्हारी सुई हमेशा आके रोमांस में क्यों अटक जाती है यार? तुम्हें हर जगह रोमांस सूझता है। हाँ, because I'm basically a very romantic person. Come on विभू, कितना अच्छा मौका है, दस्तूर भी है, चलो रोमांस करते। अरे भगवान, तुम कैसी हो? हमें तो ड्यूटी कर रहे हैं कि तुम हमारे काय प्राण खा रही हो। इतने हम ससुर तुमसे मोड़ी मोरा नहीं समझ रहे, इतने कैसे रोटी कमा रहे हम जानते हैं। अरे तो रे तक रो रहे हुए तो बाके मुंह में नेपल दो ना, हम आओ काय खून पी रही हो तुम। कहा हाँ ले आएंगे ले आएंगे, घंटा बारी कहाँ से ले आने ना, रबड़ी जलेबी सब ले आएंगे। अम्मा हमारी फोन रखो। एक सेकंड रखो फोन, इतने झाड़ियन में खेल हो रहा हूँ कछु, रखो फोन। सारू झाड़ियन में क्या हो रहा है? तुम भी ना यार, ज्यादा ही करती हो। मैंने शर्मा तो प्लीज डोंट डू दिस। बोरी में आपको इतना बड़ो घर है, आप झाड़ियन में क्या कर रही हो? घुइयां उखाड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको? दुनिया उखाड़ने हैं तो अपने घर में जाके उखाड़ो ना, जो बड़ो बंगला बनो में ना सचर कमाओ। आपको हमने ऐसा ना सोचो, तू जा आदमी के साथ देख के हम ऐसी झाड़ियन में हर्ट हर्ट हो गए अंदर से। भाई आप क्यों हर्ट हो रहे हैं? मैं झाड़ियों में अपने हस्बैंड के साथ हूँ ना, किसी पराए मर्द के साथ तो नहीं हूँ। क्यों हर्ट हो रहे हैं आप? चाहिए ना, अपना काम कीजिए जाकर। आप लोग ध्यान रखियो, ऐसे झाड़ियन में ये लंबे लंबे सांप बिच्छू होते हैं, लेकिन आपसे कम जहरीले होते हैं। पीपिंग टॉम्स, क्या हुआ? ड्रैकुला तो दिखी नहीं, अंगूरी जी तो दिखी नहीं। तुम्हारी जो रोमांस है ना, इसके चक्कर में बिजी हो गए यहाँ पे, कि यहाँ के चली ना गई हूँ। लड्डू के भैया बैठे बैठे कहाँ ही सो रहे हैं? लड्डू के भैया,
अरे उठिए, उठिए लड्डू के भैया। अरे तुम उठ गई पगली? अकाल लड्डू के भैया, देखिए ना बहुत देर हो गया हमको उठने में। पता नहीं कैसे हमरा आँख ही ना खुला, हम सोते रह गए। तबीयत पानी तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ, हमरा तबीयत एकदम ठीक बा, लेकिन हमको एक तो बात समझ नहीं आ रहा है, आप काहे बैठे बैठे सो रहे थे? हाँ अजी, हमको अपना आँख दिखाइए, इतना लाल लाल काहे है, अक्का रात भर जागे हैं? नहीं नहीं, हम तो सो ही रहे थे पगली। इस भभूति के बच्चे को तो हम देख लेंगे, इस आदमी की वजह से हमें रात भर जाग कर अंगूरी पर नजर रखनी पड़ी। काका का सोच रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, कछु नहीं पगली, तुम एक काम करो, तुम जरा नहा लो, हम तब नीचे से अखबार लेके आते हैं। हाँ ठीक बा। पागल हो गए हो तुम, दिमाग का इलाज कराओ। मेरे पास चुप रहो, सारी रात वहां झाड़ियों में खड़ा कर दिया, मच्छरों से कट गई, मैं सोई भी नहीं हूँ। कहाँ है तुम्हारी अंगूरी जी, कहाँ है, कहाँ आई वो खून पीने? कहाँ से आती भाभी जी, कहाँ से आती? साफ साफ बोली ना, क्या बोल रहे हैं, हूं करके बोल रहे हैं। रात भर की सोई अब जगी है, और इस घटिया आदमी ने ऐसा घटिया आरोप लगा दिया कि वो बेचारी ड्राकुली है। मैं अभी भी अपने दावे पे कायम हूँ कि भाभी जी ड्रैकुला हैं और वो खून पीती। अरे बकवास बंद कीजिए, आपके खानदान में होंगे ड्राकुला ड्राकुली, आपे तो आपकी मम्मी ड्राकुली लगती है। आप मेरी मम्मी को घसीट रहे बीच में? अरे काय ना घसीटे, आप हमारी भोली वाली बीवी को घसीट सकते हैं, आपकी मम्मी को काय ना घसीटे? मैं जानबूझ के नहीं घसीट रहा हूँ, मैंने उनको अपने आंख से देखा है, वो खून पीती है, सच्चाई यही है। आपकी सच्चाई गई गुइया के खेत में, जब देखो तब हमारे और हमारी बीवी के पीछे पड़े रहते। कछु काम धंधा तो है नहीं आपको? मैं सिर्फ भाभी जी के पीछे पड़ा रहता हूँ। मैं सिर्फ भाभी जी के पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ आपको। आपकी हकीकत पर है। क्या बोल रहे हैं आप, ठीक से बोलिए ना। फू है तो वो तो मैं भी बोल रही हूँ। तुम क्यों खुजला रहे हो? रात मुझे मच्छरों से कटा दिया, मुझे मलेरिया हो जाएगा। भाभी जी क्यों नहीं आए यार? हेलो। हाँ हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा? अम्मा जी एक तो गड़बड़ हो गया है। का गड़बड़ हो गया है? आए? अब का बताएं आपको, वो कहा है ना कि रात को 12 बजे का अलार्म लगाए थे हम घड़ी में, लेकिन पता ना ही का हुआ, उनको बजा ही ना ही कल। अरे तो का कर रही है बहुरिया, हम तुमसे बोले रहे ना कि इमा कोनो लापरवाही नहीं होना चाहिए। हाँ अम्मा जी हमको माफ कर दीजिए, हाँ आगे से बिल्कुल ऐसा ना ही होगा। अच्छा ठीक बा, आगे से ऐसा ना ही होना चाहिए। हाँ हाँ तो बताइए क्या करें, वो जो रात का काढ़ा है वो का पी लें अभी? अरे नहीं नहीं, वो काढ़ा पीने का कोनो जरूरत नहीं है। देखो टिल्लू जो है तुम्हारे पास पहुंच ही रहा होगा, हम उके हाथ से काढ़ा भिजवा दिए हैं, अब पंडित रामफल से बोल के उमे मंत्र भी फुकवा दिए हैं, है? वो काढ़ा जो है तुम अभय का अभय पी लेना, समझी? हाँ ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ सुनिए अम्मा जी, आपको हमरा कसम है आप हॉट ना ही होइएगा। हाँ ठीक बा, जुग जुग जियो। हमरी बोरिया में कितनी नादान है, हमका हॉट बोल रही है। अरे रामकली तुम दाल मोट हो, कसम ऊपर वाले कि तुम बहुत हॉट हो। देखिए गुप्ता जी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप सुधर जाइए, नहीं तो हम फिर इसी से जो हमको लगता है अम्मा जी हॉट हो गई। अरे भाभी जी वो हॉट हो गए। सही पकड़े हैं। अका वो अम्मा जी कछु भेजिए दो जल्दी से। अरे जेलो भाभी जी। अब भाभी जी आखिर इसमें है क्या, क्योंकि अम्मा जी से जैसे ही पूछूं इसमें क्या है फौरन वो मुझ पे भड़क जावे और मेरे हाथ पे तोड़ने की धमकी देवे, कहीं अम्मा जी मुझसे स्मगलिंग तो ना करा रही। अरे ई का बोल रहे हैं, हां आपको का अम्मा जी ऐसी लगती हैं? सॉरी भाभी जी मैं तो मजाक कर रहा था।
हम बोल दे रहे आगे से भूल कर भी ऐसा मजाक अम्मा जी के बारे में हम ना ही सुनेंगे। हाँ आई एम सॉरी भाभी जी। अब भाभी जी वो बहुत तेजो की भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो मुझे। ठीक बा, अभी खोके पर जाओ, हमरा मत भले सांप पर जाओ। जा रही हूँ खोके पर। थैंक यू भाभी जी। मुझे क्या पता था कि मेरी मोहब्बत एक दिन मुझे ये मंजर दिखाएगी। आप सारे भाभी जी, आप मेरे सारे। कि मैं आपका एमएमएस बना रहा हूँ, कि मैं मजबूर हूँ, मैं इसे बतौर सबूत अनु तिवारी जी को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप खून पीती हैं।